उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर भावुक हो गए। मंच पर बैठे बृजभूषण शरण सिंह की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए जब एमएलसी अवधेश सिंह ने दिल्ली में हुए महिला पहलवानों के प्रदर्शन की चर्चा शुरू की। विधान परिषद सदस्य अवधेश सिंह महिला पहलवानों के आंदोलन और पूर्व सांसद पर लगाए गए आरोपों की चर्चा कर रहे थे, तभी बृजभूषण शरण सिंह फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह निजी विद्यालय में आयोजित स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे, तभी मंच से संबोधित करते हुए एमएलसी अवधेश सिंह ने महिला पहलवानों का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद पर लगाए गए आरोप फर्जी हैं। इस बीच मंच पर बैठे बृजभूषण शरण सिंह भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह पहला मौका नहीं था जब बृजभूषण शरण सिंह भावुक हुए हों। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी टिकट काटने पर उनकी आंखों में आंसू आए थे। इस दौरान बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने संबोधन में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, जब मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए तो मैंने तभी बोल दिया था कि यह साजिश कांग्रेस की है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की है। मैंने पहले भी कहा था, आज तो देश कह रहा है, अब मुझे इस बारे में कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था, ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है, मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर वो बदनाम हुए तो नाम भी हुआ, पहले कोई उनके साथ सेल्फी नहीं लेता था और अब लगातार सेल्फी का दौर चल रहा है। इस घटना के पहले मेरी कोई सेल्फी नहीं लेता था, कोई नहीं, सर्वोदय तो 91 से लगातार दिल्ली आ रहा हूं, जा रहा हूं, कोई सेल्फी नहीं लेता था। और इस घटना के बाद हीरो भी सेल्फी लेते हैं, हीरोइन भी सेल्फी लेती है, पायलट भी सेल्फी लेता है, साधु संत भी सेल्फी लेते हैं। आज तक दिल्ली की कोई यात्रा ऐसी नहीं हुई जिसमें मेरी सेल्फी न ली गई हो। अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा, अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा, सेल्फी का तो चल रहा। बता दें कि महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इसे लेकर महिला पहलवानों सहित कई पहलवानों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी दिया था। बृजभूषण शरण सिंह को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को पार्टी ने मैदान में उतारा था, जो जीत कर लोकसभा में पहुंचे हैं।